चिट्ठियां पढ़ी जया बच्चन से, तब भी उन्होंने यही बोला कोई नहीं वो बड़ी है कोई नहीं। भाई आदमी तो बहुत जहर है, लेकिन इस बार सबर का बांध टूट गया। लेकिन दिखाई इस तरीके से गया है कि पता नहीं जया बच्चन को क्या गाली ही दे दी। ऋषभ शेट्टी को लेकर बॉलीवुड में काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हो गई, और कमाल की बात है जिनमें से एक भी ऋषभ शेट्टी ने नहीं की। बंदा हर बार मुस्कुराता है और बोलता है कोई नहीं बस कोई नहीं। कंगना ने जब बोला कि ऑस्कर में जाना चाहिए, तब भी उनका ही कहना था कि बस कोई नहीं देखते हैं। और जब भाई गालियां पड़ी जया बच्चन से, तब भी उन्होंने यही बोला कोई नहीं वो बड़ी है कोई नहीं। भाई आदमी तो बहुत जहर है, लेकिन इस बार सबर का बांध टूट गया। हालांकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि पता नहीं क्या ही आफत आ जाए, लेकिन दिखाई इस तरीके से गया है कि पता नहीं जया बच्चन को क्या गाली ही दे दी। देखिए जया बच्चन ने सबके सामने ताज होटल की बात है जब ऋषभ शेट्टी के बारे में क्या क्या नहीं बोला था, कैसे आ गए कौन आ गए दिखता नहीं कहां पर आए हैं ऐसे कैसे पहनकर आ गए इवेंट खराब करा दिया इन बात का। और ये बात जब जया बच्चन की ऋषभ के पास पहुंची तब उनका एक बहुत स्वीट सा जेस्चर था, कोई नहीं उन्होंने बोल दिया होगा वो बड़ी हैं, मैं मेरी समझ से काम करता हूँ उनकी समझ से काम करते हैं, उनकी समझ में सब खराब था तो शायद उन्होंने बोल दिया, मेरी समझ में खराब नहीं था तो मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा। और इस चीज़ को पोर्ट्रेट इस तरीके से किया गया है दोस्तों कि भाई ना समझ बोल दिया ऋषभ शेट्टी ने जया बच्चन को, जिस चीज़ को लेकर लोग अफरा तफरी मचाए बैठे हैं कि अमिताभ बच्चन की वाइफ कैसे कैसे बोल दिया। भाई अमिताभ बच्चन की वाइफ लोगों को क्या क्या बोलती रहती है उस पर तो तुम कुछ भी नहीं बोलते, अब इस बंदे ने कुछ ऐसा बोल दिया तुम इसके सर पीछे चढ़ गए कि भाई बता ऐसे कैसे किया। भाई सीधी सी बात ये ना, अभी बॉलीवुड की थोड़ा थोड़ा फटनी स्टार्ट हो गई। देखिए ऐसा नहीं है बॉलीवुड की बिल्कुल भी फिल्म नहीं देखता, मैं उनके अगेंस्ट हूँ, लेकिन मैं अच्छी चीज़ करोगे तो अच्छा बोला जाएगा, बुरा करोगे तो बुरा बोला जाएगा। अब कंतारा ने इतनी अच्छी सक्सेस ली है तो भाई इसका मतलब उन्होंने मेहनत की है, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दिस। आप लोग अच्छी मेहनत करो, हम आपकी भी तारीफ करते हैं, आई एम नॉट लाइक कि बस साउथ की तारीफ करें जाएं बॉलीवुड की नहीं करें। भेड़िया का ट्रेलर सबको अच्छा दिख रहा है, और अगर बात की जाए इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की तो भाई जया बच्चन को सबने पसंद किया था शोले के अंदर, लेकिन भाई अभी मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही बिकॉज ऑफ पर्सनैलिटी। आप किस बारे में क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलता हूँ बहुत जल्द, तब तक आप सभी को अलविदा।